इन तेंदुओं को स्नो लेपर्ड या हिम तेंदुआ कहते हैं। ये लगभग एक रात में एक मैराथन की दूरी कवर कर सकते हैं, यानी एक रात में 25 मील की दूरी तय कर लेते हैं। हिम तेंदुओं के चौड़े फर से ढके पैर प्राकृतिक स्नो शू के रूप में कार्य करते हैं, जो उन्हें ठंड से बचाने में मदद करते हैं। इन्हें हिम तेंदुओं कहे जाने के बावजूद ये बड़ी बिल्ली तेंदुओं से ज़्यादा बाघ से क्लोजली रिलेट करते हैं, और अन्य बड़ी बिल्लियों की तुलना में हिम तेंदुए दहाड़ नहीं सकते। लेकिन हिम तेंदुए के पास एक मुख्य कॉल या चीखने की आवाज़ होती है, जिसे छेदने वाली चिल्लाहट के आवाज़ के रूप में बताया जाता है, जो इतनी ज़ोरदार आवाज़ होती है कि इसे नदी की गर्जना पर भी सुना जा सकता है। नेपाल में हिम तेंदुओं का मुख्य शिकार नीली भेड़ होती है। ये हिम तेंदुए काफी ऊंचाई पर रहते हैं, आमतौर पर 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर। ये चट्टानों और खड्डों जैसे खाड़ी टूटे हुए इलाकों को पसंद करते हैं। यदि वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे, प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूले। थैंक यू।